बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लगाने के लिए मशीन में रेजेंट सेटअप की जरूरत होती है। रेजेंट सेटअप के लिए हमें एक टेस्ट किट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन मेन्यू की मदद से हम मशीन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास ये टेस्ट किट है, आर करेगा यूरिक एसिड। इसके अंदर ये मेन्यू है, मेन्यू को जब हम खोलेंगे इसमें एस से पैरामीटर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके हेल्प से हम प्रोग्राम सेट करेंगे। मशीन को ऑन कर लेंगे। मशीन ऑन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद हम रेजेंट सेटअप पर जाएंगे। उसके बाद हमें इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जो भी टेस्ट का हमें प्रोग्रामिंग करनी है सीधे उस पर क्लिक करेंगे। जैसे SGPT की करनी है तो SGPT पे करेंगे, या एल्कलाइन फॉस्फेटेज की करनी है तो एल्कलाइन पे करेंगे, हमें यूरिक एसिड का करना है तो यूरिक एसिड पे क्लिक करेंगे। इस तरह का कुछ नज़र आएगा। उसके बाद हम नेम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो की खुल के नज़र आएगा। बैक स्पेस से इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी टेस्ट हमें फीड करना है उसका नाम डाल देंगे। जैसे हमें यूरिक एसिड करना है तो हम यूरिक हम उसके बाद इसको क्वाइट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आता है मेथड का, यानी मोड। मोड हमारा यूरिक एसिड के मेन्यू में ये दे रखा है, मोड यहाँ पे दिया हुआ है, मोड है एंड पॉइंट मोड। तो हम इसको मशीन में जाएंगे और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं मोड। यहाँ पे काइनेटिक फिक्स टाइम, टू पॉइंट एंड, टर्बिडिटी, एब्जॉर्बेंस, सारे मोड नज़र आएंगे। हमको एंड पॉइंट सेलेक्ट कर देना है यूरिक एसिड के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है फिल्टर का। हमें जो है फिल्टर हम मेन्यू में देखेंगे क्या फिल्टर दिया हुआ है। फिल्टर हमारा दिया हुआ है 550 nm, यानी 520 और 550 के अंदर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर नज़र आ जाते हैं कि हमारा जो है 520 और 550 के अंदर 546 आता है, हम 546 को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर आता है, हमें सेकेंडरी फिल्टर कोई सेलेक्ट नहीं करना, इसको हम नन कर देंगे। उसके बाद इनक्यूबेशन टाइम आता है। इनक्यूबेशन टाइम हम यूरिक एसिड में एक्सटर्नली देते हैं, हमें इसमें मशीन में इनक्यूबेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको 5 सेकेंड कर देंगे। टेस्टिंग टाइम भी 5 सेकेंड कर देंगे। उसके बाद आता है एस्पायरेशन वॉल्यूम, 400 पे सेलेक्ट कर देंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फुल नेम का, यहाँ पे हम फुल नेम डाल सकते हैं। जैसे हमने पहले यूरिक डाला था, अब यहाँ पर हम फुल नेम उसी प्रकार डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट, उसके बाद यूनिट हमें जिस भी यूनिट में इसका रिजल्ट आता है वो देते हैं। यूरिक एसिड mg पर डेल में आता है तो हम इसको ये दे देंगे, इसमें हम 2 सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद रेफरेंस रेंज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी डालनी है हमको इस तरह डाल सकते हैं। उसके बाद लाइन आरटी हमारी मेन्यू में 25 दी गई है तो हम इसको 0 से 25 कर देंगे। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमें यूरिक एसिड का टेम्परेचर 37 होता है तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये पैरामीटर सेव हो जाएगा। उसके बाद हम कैलिब्रेशन में जाएंगे। कैलिब्रेशन में जाने के बाद हमको कैलिब्रेशन टाइम आएगा, इसमें हम 2 पॉइंट लाइनर कर देंगे। उसमें ब्लैंक टाइप का ऑप्शन दिखेगा,
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा रेजिडेंट ब्लैंक या वाटर ब्लैंक, तो हम इसको वाटर ब्लैंक चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन पूछेगा, तो हम स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन यहाँ पर सेव कर देंगे। यूरिक एसिड की 6.0 mg पर डेल है, तो इसको 6.0 mg पर डेल कर देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न जाएंगे, हमारी प्रोग्रामिंग सेट हो चुकी है। अब हम सीधे यूरिक एसिड स्टैंडर्ड लगाने के बाद लगा सकते हैं।